बदायूं में सरकारी स्कूल की शिक्षिका द्वारा शिक्षक नेता व स्कूल प्रधानाध्यापक पर दर्ज कराए गए अभद्रता और अश्लील हरकत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस प्रकरण में पीड़ित शिक्षिका के पक्ष में आई भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने आरोपी प्रधानाध्यापक की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही गुरुवार तक आरोपी प्रधानाध्यापक की गिरफ्तारी नहीं होने पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने एसएसपी कार्यालय पर तालाबंदी की धमकी दी थी। इसको लेकर आज जब भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय पर तालाबंदी करने जा रहे थे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर वहां से खदेड़ दिया, जिसमें से कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जमकर पीटा। इसके साथ ही 16 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। आपको बता दें कि आरोपी शिक्षक नेता व प्रधानाध्यापक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, वहीं उसके खिलाफ विभागीय और पुलिस की जांच भी चल रही है। इस बीच भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने आरोपी को गिरफ्तार न होने पर एसएसपी कार्यालय पर तालाबंदी की चेतावनी दी थी, जिसको लेकर बड़ी संख्या में पुलिस और पीएससी के जवानों को तैनात किया गया था। साथ ही एसएसपी कार्यालय को छावनी में तब्दील किया गया। इसके साथ ही कार्यालय के मार्ग पर एक साथ लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली से शहर में आने वाले लोगों को दूसरे मार्गों से निकलने दिया जा रहा है। इसके अलावा अम्बेडकर पार्क, कलेक्ट्रेट, बीएसए कार्यालय समेत अन्य स्थानों पर भी फोर्स को तैनात किया गया है। देखिए, थाना सिविल लाइन में दिनांक 3 अगस्त को एक मुकदमा दर्ज हुआ था, एसएसटी का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें पीड़िता ने उस स्कूल के प्रधानाध्यापक के खिलाफ आरोप लगाया था कि इन्होंने प्रधानाध्यापक महोदय इनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। इसी संदर्भ में एसएसटी एक्ट के एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी विवेचना सीओसीटी महोदय द्वारा की जा रही है। विवेचना अभी प्रचलित है। इसी क्रम में भीम आर्मी बरेली मंडल के एक मिस्टर विकास हैं, विकास बाबू, उन्होंने पुलिस पे कहा कि मैं जनपद बदायूं में आऊँगा और आके जो है पुलिस ऑफिस पर ताला लगा दूंगा और अराजकता फैला दूंगा। इस तरह के उन्होंने कई ट्वीट्स डाले, जबकि इस संबंध में उनको अवगत कराया गया कि उनका यह कार्य जो है वो अनुचित है और नियमाविरुद्ध है। इसके लिए डीएम महोदय की तरफ से धारा सीआरपीसी की 188 के तहत उनको जिले में प्रतिबंधित किया गया था। इसकी नोटिस भी उन्हें तामील करा दी गई थी और फ़ोन द्वारा उनको अवगत भी करा दिया गया था कि उन्हें इस तरह से आना मनाही है। फिर भी वो आए, अपने साथ समर्थकों को लेकर आए, बातचीत उनसे की जा रही थी। इसी दौरान उनके समर्थक एग्रेसिव हो गए और एग्रेशन के दौरान उन्होंने पुलिस के साथ मुजामत शुरू कर दी। फिर पुलिस ने उन हल्का बल प्रयोग किया और बल प्रयोग करने के बाद उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। सभी टोटल 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब चूंकि इन्होंने पुलिस के साथ मुजामत किया है, कानून व्यवस्था बिगाड़ा है और सरकारी काम में बाधा डाला है, तमाम जो हमारे जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी।